लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अपनी मर्जी से आएगा, अपनी मर्जी से जाएगा, बड़े कलेक्टर है। अब मैंने ऐसा क्या कह दिया जो इस तरह से रो रही हो? जल्दी से खाना लगाओ। हाँ, देती हूँ देती हूँ। इस तरह झुंझला क्यों रही हो? अभी थोड़ी जा रहा हूँ, शहर में घर मिलने में टाइम लगेगा, उसके बाद ही जाऊंगा। अच्छा, ये बता गाँव में क्या तकलीफ है जो गाँव छोड़ के जाने की बात कर रहा है? जेल से छुटके आ रहा है तेरा बेटा। मुझे उसकी शक्ल से नफरत है, इसीलिए जा रहा हूँ। क्यों, मेरा बेटा क्या कहता है, अपना बाप क्यों नहीं कहता? बड़े मालिक के परिवार का बुरा करने वाले को उस नाम से बुलाने वाला मैं कोई पागल नहीं हूँ। याद करने से भी दिल जलता है। उस लड़की ने मुझे और बड़े मालिक को अलग करने के लिए नाटक जो किया, उसकी वजह भी तेरा बेटा ही है। एए। बस बस, अपने लाडले के लिए बहस मत कर, आके खाना परोस। परोसती हूँ, खुद परोस ले। हाँ, परोस भी लूंगा, खा भी लूंगा। मेरे बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा, तू कैसा है बेटा? तू अच्छा है ना? तुझे देखने मेरी आंखें तरस गई। तेरे आने की एक खबर कर देता तो मैं स्टेशन पे आ जाती ना। हंसता क्यों है? मैंने रेलवे स्टेशन कहा था, तू जहाँ था वो स्टेशन पे नहीं। वहाँ पे तो मालिक के सिवा और किसी को आने से मना किया था ना। हाँ माँ, वहाँ मेरी हालत देखकर तुम दुखी हो जाते, इसलिए मना किया था। अच्छा माँ, तुम कैसी हो माँ? मुझे किस बात की कमी है? तू मुझे जिस तरह देखता है वो भी मुझे देखता है, उसी में मैं तुझे देखती हूँ। एक झलक देखने को मन कर रहा। किसकी? बेटी की। उसमें क्या, चल अपने बेटे को देखने के लिए मुझसे क्या पूछता है? वो क्या है कि वो तुझ पर थोड़ा सा नाराज है, अभी देखने के बजाय चार दिन के बाद, क्योंकि उसने अगर तुझे कुछ कह दिया तो मैं सह नहीं सकूंगी। कोई बात नहीं माँ, मैं फिर कभी आके देख लूंगा। शेरू, मैं तेरा दुख समझती हूँ, अपने बेटे को देखने के लिए दिल तड़पता होगा। तो एक काम कर, यहाँ के बजाय पिछवाड़े खिड़की के पास आ जा, उसके जाने बिना तुझे तेरे बेटे को दिखा दूंगी। हाँ, चल चल। क्यों रे राजा, खुद परोस के खा रहा है? तूने ही तो कहा था। खा ले खा ले। मक्खियाँ बेटा, मक्खियाँ। सर में जुए हैं। राजा, तेरे नाक पे क्या है? कुछ भी तो नहीं है। क्यों कुछ नहीं है, अभी दिखाती हूँ। तो कितना ही मस्का लगा ले, मेरा गांव छोड़ के जाना पक्का है। ठीक है चले जाना। ये देख, कहा ना कुछ नहीं है, खाने दे। तो रो क्यों रही है? कुछ नहीं। तू भी मेरे साथ चल, मैं तेरे बेटे से अच्छी देखभाल करूंगा। मेरा राजा बेटा, तू अच्छी देखभाल करेगा, मैं जानती हूँ तू अच्छी देखभाल करेगा। ये आईना किस लिए? अपनी खूबसूरती देखते हुए खाना खाओ, ला इधर। मत जाना। हाँ बेटा, खाना खाते ही मत जाना, आराम से जाना कह रही थी। मैंने तेरे लिए लड्डू बनाए हैं, यही बैठ के आराम से खाना, आराम से, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से। थोड़ा तो ठीक ही है। देख लिया बेटा, एकदम तेरे जैसा ही है ना। अब जा बेटा, जा शेरू। मालिक के घर पे रहेगा ना, तुझसे मैं बाद में मिलूंगी। अब जा जा बेटा। माँ, क्या है बेटा? भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? ये मैंने क्या कर दिया?
तुम्हारे हाथों का खाना खाए जमाना बीत गया। खिलाती हूँ बेटा, खिलाती हूँ, तू पिछवाड़े आ जा, मैं लाती हूँ। मैं कितनी बदनसीब हूँ, खाना खाने के लिए भी नहीं खा। खा ले बेटा, खा ले, मुंह खोल। ये मेरी खून पसीने की कमाई का खाना है, उन्हें ये खाने का हक नहीं है। इन्हें जाने के लिए कहो यहाँ से। ये तो क्या कह रहा है, ये तेरा बाप है। मैं ये कैसे यकीन करूं कि मेरा यही बाप है? माँ, कोई बात सुना नहीं। उसने क्या कहा? इसीलिए उस भगवान ने इसकी शक्ल तुझे दी है। चुप हो जाओ माँ, चुप हो जाओ। सुनिया, तेरे बेटे ने क्या कहा? कुछ भी हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है माँ। ये तो क्या कह रहा है? हाँ माँ, क्योंकि ये मुझसे भी ज्यादा बड़े मालिक को अपना समझता है, इसीलिए तो ऐसा बोल रहा है। चलता हूँ माँ। बेटा, भूख लगी थी तभी तो खाना मांगा था, एक निवाला भी खाए बिना जाएगा। कोई बात नहीं माँ, फिर कभी खा लूंगा। शेरू रुक जा। तुम बाप बेटे दोनों ने मेरे लिए जन्म लिया है छोटू। गलती न करने पर भी मैंने तुझे सजा दी है, इसीलिए तुझसे माफी मांगने आया हूं। ये क्या बड़े मालिक, आप मुझसे माफी मांग रहे हैं? बेवजह मुझे मारने का हक आपको है। मुझसे ज्यादा हक उसे है छोटू, तू अपने पिता से माफी मांग रहे। जब मैं उन्हें अपना पिता ही नहीं मानता तो माफी मांगने का सवाल कहां उठता है? वो ना सिर्फ तेरा पिता है बल्कि मेरी जान है। शेरू मेरी बात सुन। शेरू भैया, गुड़िया को दो ना। शेरू चाचा, गुड़िया को दे दो। उसे रोको, अनिल दो। बम्बल की घर लो बेटा, चलो जल्दी। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। शेरू मेरा अच्छा बेटा है ना, बच्चे को दे दे, कान छिदवाने। कान छिदाने से दर्द होगा, नहीं दूंगा। तो क्या, कभी इसके कान छिदाने नहीं दूंगी। कान में बुंदे नहीं पहनने से भी गुड़िया बेटी सुंदर लगेगी। ओहो, छेदने से दर्द होगा इसे तो प्रेसिंग वाला टॉस पहना लेते हैं। शेरू चाचा, गुड़िया को दो। नहीं रानी, अरे मुझे दो ना। नहीं दूंगा। देखो गुड़िया को कोई दर्द नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। वादा? पक्का वादा। संभाल कर गुड़िया। रो नहीं बेटी, बेचारी गुड़िया इतना डरता है। डर गया, डर गया। चुप रहिए, सब मिलकर गुड़िया बेटी को रुलाने वाले हैं। मैं नहीं देखूंगा। शेरू, अरे गुड़िया कैसे ऐसे है, देख। अरे गुड़िया बहुत सुंदर लग रही है। इतनी सी बात के लिए जमीन आसमान एक। तो क्या करूं बेचारी बच्ची जो है। हाँ, अरे बड़े मालिक आ गए, जल्दी कराओ। नमस्कार, सब लोग बैठिए बैठिए। शेरू तू क्यों खड़ा है, बैठना। नहीं मालिक। अरे कहा ना, बैठ जा। आप खा लीजिए, मैं घर जाके बाद में खा लूंगा। अरे मैं भी खा रहा हूँ ना, खा बैठ जा। नहीं मालिक, बैठ जा। क्यों, क्या हुआ, सब खड़े क्यों हो गए? ये आपका दोस्त है वो तो ठीक है, पर इसकी बराबरी में बैठकर खाना खाना हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा बड़े मालिक। अच्छा ये बात है। शेरू उठ। इसीलिए तो मैंने तभी मना किया था ना मालिक। ठीक है उठना, अभी क्यों खड़े हैं, बैठिए। हाँ, सब बैठिए। हाँ, ए परोसो, खाइए, सब लोग खाइए। ए शेरू चल। ये क्या बड़े मालिक, आप खाना खाए बगैर जा रहे हैं? आप सबके लिए जात कीमती हो सकती है लेकिन मेरे लिए यही कीमती है। चल ये फोटो अच्छा है। अच्छा नहीं अच्छा है मालिक। अच्छा नहीं है ये, अच्छा नहीं है तो ये अच्छा नहीं है। देख के बिना ही बोल रहे हैं। देख के बोलता हूँ अच्छा नहीं है। ये तो अच्छा है ना। अच्छा नहीं है ये, क्या देखे बिना अच्छा नहीं बोल रही है। अच्छा नहीं है। जो भी हाथ लगा ले लिया ना। आ, सिर्फ पैसे नहीं, गहने भी चुरा के रख लिया हूँ। सांप नहीं मैं हूँ। पिताजी पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी है पिताजी। मत करना बेटी। फिर ये तस्वीरें क्यों दिखा रहे हैं? मैंने कब कहा देखने के लिए, तुम्हारी माँ कह रही है।
हाँ तो आप अपनी बेटी की कभी शादी नहीं कराएंगे? दीदी हम जा रहे हैं। इतनी जल्दी भी क्या है, और चार दिन रुक सकते हो ना। हम माँ पर बोझ कैसे बने दीदी, ये तो आपका और जीजाजी का बड़पन है जो हमें अपना समझ रहे हैं। हम दो अनाथों को अपने बचपन से पाला, ये कम है। अरे छोड़ो ना। खाना खाया तुम लोगों ने? हाँ बहुत खाया। अच्छा तो फिर जाओ। चलता हूँ दीदी। चलते चलते। ए अकल राम। अकल राम नहीं बुद्धि राम, जो भी हो इस बोरी में क्या है? बोरी में बोरी बोरी बोरी। जीजा जी पूछ रहे ना, दिखा। ओ कुछ नहीं जीजा जी, उसमें हमारे कुछ पुराने कपड़े हैं। अरे रे, ये क्या आप सचमुच में बोरी? मालिक तो यूं ही मजाक कर रहे थे। हमारे यहाँ रुपए जेवर वगैरह बोरी में भरकर ले जाया करते हैं, इसलिए मजाक कर रहे थे। अगली बार आएंगे तो मैं आपको एक बक्सा खरीद दूंगा। चलता हूं। अच्छा चलता हूं दीदी। जाओ। मालिक आप बुरा ना माने तो एक छोटी सी बात कहूँ। छोटी बात क्यों, बड़ी बात कहना। किसने मना किया? आप बाप बेटी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, इसलिए फोटो देखे बिना ही मना कर रहे हैं। पर मालकिन रानी बिटिया की शादी करवाना चाहती है ना मालकिन? तो आप क्या करो बोल। अगर हम किसी को घर जमाई बनाएंगे तो हमारे साथ रानी बिटिया भी यहीं रहेगी। घर जमाई, ऐसा कोई है नजर में? अभी अभी देखा। किसे? मालकिन का मुंह बोला भाई। ए, सरा देना बंद कर। माना कि अनाथ होने की वजह से मालकिन नहीं उन्हें पाला पोसा है, इसमें उनकी गलती क्या है? गलती की बात मत कर, अगर ऐसा करना पड़ा तो मेरी बेटी के लिए बड़े घर से रिश्ता लाऊंगा। हाँ हमारी जायदाद दोनों बेटियों के लिए ही तो है, उसमें से आधी जायदाद रानी बिटिया के नाम लिख दीजिए, वो भी धनवान हो जाएगी। इसका कोई लेना देना नहीं है, बेकार में टांग बतड़ा। जहाँ मेरा कोई लेना देना नहीं वहाँ मेरा काम क्यों? मैं चलता हूँ। मैंने ऐसा क्या कहा जो गुस्सा कर रहा है? गुस्सा करने के लिए मैं कौन सा बड़ा आदमी हूँ? आपकी बेटी आपकी मर्जी, किसी से भी शादी कराइए। ससुराल में जब ये रोएगी तो वो देख के आप रोएंगे और आपको देख के मालकिन रोएंगे, इसमें मेरा क्या? मैं आपका कोई सगा थोड़ी हूँ। शेरू भैया वो सचमुच जा रहे हैं, उन्हें बुलाइए ना पिताजी। क्यों बुलाओ, खुद को बड़ा खुद्दार समझता है। सर्व मंगल मांगल्य साहब जी, मुहूर्त का समय हो रहा है, वर को बुलाइए। शेरू जी अपने होने वाले दामाद को ले आ। वो मेरा दामाद कहाँ से हुआ? तू ही ने तो इलेक्शन किया है। इलेक्शन नहीं मालिक, सिलेक्शन। बिल्कुल नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। ओफो, तू पागलों की तरह बात क्यों कर रही है? मैंने सपने भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े घर का दामाद बनूंगा। पता नहीं कौन सा पुण्य किया था। पुण्य किया? मुझे धोखा देना आपके लिए पुण्य है। अरे मेरी जान, मैं तुझे धोखा क्यों दूंगा? मैं तो सिर्फ जायदाद के लिए उसे शादी कर रहा हूँ पगली। सच? मेरा प्यार तो तू ही है। अरे पापी बदमाश, तू इतना बुरा आदमी है। वो क्या है कि दीदी? मुझे दीदी मत बुला। तू मेरी बेटी से इसलिए शादी कर रहा था कि जायदाद पा सके। तेरा कभी भला नहीं होगा, कभी नहीं। ये सब तेरी वजह से हुआ है। दीदी की गालियां सुना रही है ऐसे शुभ दिन में। निकल जा बाहर, निकल जा, निकल। ये नाटक, ये शुभ दिन ही है। शादी होने से पहले तेरा पर्दाफाश हो गया, ये वाकई शुभ दिन है। दीदी 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 मुझे माफ कर दो, जवानी के अंधेपन में उस लड़की के चक्कर में पड़ गया था। वो यहाँ सबके सामने कोई हंगामा न कर बैठे, इसलिए उसे शांत कराने के लिए मैं उसे झूठ कह रहा था कि वही मेरा प्यार है। तो जो भी कर मुझे क्या, लेकिन अपनी बेटी की शादी तुझसे नहीं होने दूंगी। जाने नहीं दूंगा तुम्हें, बाहर जाने नहीं दूंगा। शराफत से यहाँ से दफा हो जा, अगर ये बात मेरे पति जान गए तो तुझे मार डालेंगे। मैं कोई ना कोई बहाना करके ये शादी रोक दूंगी। हट। दीदी नहीं, मेरे शब्दों को सच होने से पहले चुट चुट मत करो। मरते दम तक तुम्हारी बेटी के साथ कोई अन्याय नहीं करूंगा, तुम्हारे सर की कसम। हाथ उठा, चुपचाप दरवाजा खोल। अगर ये शादी रुक गई तो मैं मर जाऊंगा। मर जा तो मर जा, इस वक्त तो मुझे अपनी बेटी को बचाना है। हट सामने से, हट जा। नहीं हटूंगा दीदी, नहीं हटूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। हट जा सामने से, अगर ये दरवाजा नहीं खोलेगा तो मैं उन्हें बुला लूंगी। हट। ये मुहूर्त निकल गया है तो छह महीने तक और कोई मुहूर्त नहीं है। खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जाके दूल्हे को ले आओ। जी अच्छा। सुनिए ये कहां जा रहे हैं? बड़े मालिक दूल्हा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है तो कहाँ जाएगा? तुमने ठीक से देखा नहीं होगा। जी मैं देख जाता हूँ। अभी तो कहाँ चला गया? मुहूर्त का टाइम निकल जा रहा है। आओ बैठो बैठो बैठो, आप बैठिए। पंडित पंडित जी आप सुनाओ, जल्दी मंत्र पढ़ो। ताज्जुब की बात है, आज इस घर में एक एक करके सब गुम हो रहे हैं। गोविंद मालिक तुम जाके लक्ष्मी और शेरू को ढूंढो। जी अच्छा। फिक्र मत करो बेटी, माँ आ जाएगी। श्री मनमंद कटाक्ष लब्ध भद्र मेंद्र गंगा
अरुण वो मंगलसूत्र जल्दी ले आना। माँ कहाँ गई पिताजी? आ जाएगी बेटी। ए चंदू तुम जल्दी जाकर लक्ष्मी को बुला लो। नमस्कार बैठ पिताजी। रुको पंडित, माँ के बिना ही मंगलसूत्र पहनवाओगे? वहाँ रखो, मंत्र पढ़ते रहो। मंत्र पूरे हो गए जी। हो गया तो फिर से पढ़ो। मालकिन, मालकिन ये सब कैसे हुआ? किसने किया? शेरू भैया, मेरा भाई अच्छा आदमी नहीं है। किसी भी तरह ये शादी रोको, मेरी बेटी को बचाओ। ठीक ठीक है मालकिन, ठीक जाओ।